हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सूरज है और दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास है एम आई कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर 2, जिसकी आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं। अनबॉक्सिंग हालांकि मैंने बहुत ही पहले कर दिया था और ये है उसका बॉक्स पैक, एक नॉर्मल सा, जिसमें आपको एम आई कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर सिंपली आपको ये स्पीकर मिल जाता है, साथ में एक स्ट्रैप मिल जाती है और एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, और कुछ भी आपको इस बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी छोटा सा बॉक्स है और यह है एम आई का ब्लूटूथ स्पीकर। देखने में काफ़ी खूबसूरत और लाइट वेटेड, काफ़ी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर है। दोस्तों अगर इस स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये ब्लूटूथ वर्जन 4.2 सपोर्ट करता है और इसकी जो रेंज लिमिट है वो है 10 मीटर की, यानी कि आप इसे 10 मीटर के रेंज में कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से। इसके अलावा इसमें जो बैटरी लगी है वो लिथियम आयन बैटरी है जो कि 480 mAh की है। अगर आप अपने डिवाइस की वॉल्यूम 80% रखते हैं तो ये 6 घंटे का प्लेबैक दे देता है। तो दोस्तों ये है स्पेसिफिकेशंस इस ब्लूटूथ स्पीकर की। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये यहाँ पे इस बॉक्स पे 899 रुपये मेंशन किया गया है, बट आप इसे ले सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर me.com से 799 रुपये में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर की। तो ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा है, डिज़ाइन काफ़ी क्यूट सी लगती है, काफ़ी लाइट वेटेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की साइड में यहाँ पे MI लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको इसमें आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है जिससे कि आप इसे चार्ज कर पाएंगे। पीछे के साइड में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ की बटन दी गई है और यहाँ पे एक LED लाइट है जो कि ब्लिंक होती है जब इसे ऑन करते हो आप। तो फिलहाल ये ऑन है तो इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है। ऑन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे पीछे के साइड में एक बटन दी गई है, इसको दबा के आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। Power on. तो अभी ये ऑन हो गया है। यहाँ पे साथ में एक स्ट्रैप मिलता है जिससे कि आप इसमें लगा सकते हो और आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई कॉम्पैक्ट सा ब्लूटूथ स्पीकर तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। दोस्तों देखने में ये काफ़ी छोटा है बट आप यकीन नहीं करेंगे कि जिसका साउंड आउटपुट है वो वाकई में काफ़ी क्लियर और लाउड है। इतना लाउड कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतने छोटे से स्पीकर में आपको इस तरह की साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं इसको जा रहा हूँ अपने फ़ोन से कनेक्ट करने और आपको दिखाने की इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। सिंपली इसके लिए आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करना है। जब इसे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा me BT। तो फिलहाल ये दोस्तों मेरे इस मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो गया और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी। मैं कोई यूट्यूब की वीडियो प्ले करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है, कितनी ज़बरदस्त है। ये डिपेंड करता है आपके गाने के ऊपर भी कि आपकी जो सॉन्ग की क्वालिटी है वो कैसी है। तो फिलहाल मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ इस सॉन्ग को प्ले करके कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस देने वाला है। मैं पिछले एक हफ्ते से इसे यूज़ कर रहा हूँ और ये वाकई में एक ज़बरदस्त डिवाइस है, मुझे बहुत ही पसंद आया। 800 रुपये में आपको एक कॉम्पैक्ट डिवाइस मिल जाता है जिसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है, ईजी टू कैरी है, पोर्टेबल है और काफ़ी खूबसूरत भी है। इजीली आप इसे पॉकेट में रख सकते हो या फिर कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, बैग में या फिर आप साइकिलिंग के लिए जाते हो, आउटडोर वॉकिंग पे भी जाते हो तो आप इसे ले जा सकते हो अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक। तो अब मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग। दोस्तों ये है इसकी साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी काफ़ी क्लियर और लाउड है और बेस भी काफ़ी अच्छा है। आई गारंटी यू आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप इसे लोगे तो आपके 800 रुपये बेकार नहीं जाएंगे। ज़रूर ये देखने में बहुत ही छोटा है तो लगेगा कि काफ़ी मतलब महंगा मिल रहा है 800 रुपये का, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जिस तरह का क्लियर साउंड आता है इससे, वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो। और बाकी आप हैंड फ्री से बात भी कर सकते हो यहाँ पे इससे अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है तो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर 2 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक किए भी ना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।